मैं ये कहना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव के लाएंगे बिहार में और रोजगारों के अच्छी दिए हैं, सबको अच्छी दें और आगे चल के बढ़ाए हम लोग का वोट देंगे। मोदी जी से नाराज हैं? नहीं नाराज है, मोदी कुछ भी नहीं किया और तेजस्वी यादव में 17 महीना में टीचर वर्ग में हाल ही भी निकाला है और आगे भी बढ़ाया और आगे भी देगा शिक्षक पब्लिक को, आगे हम लोग भी आगे चला सकते हैं। बिहार में जरूरी है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। अच्छा, बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कंचन कुमार। बहुत सारे कलश यात्रा लेकर आए हैं, किस बात की पूजा हो रही है? देखिए, ऐसे तो ये 5वां कलश यात्रा है जी, हम लोग लगातार इस बार 5वां कलश हो गया, लेकिन सबसे पहले तो 4 जो कलश यात्रा हुआ हम लोग अपने गांव जवार के लिए परिवार के लिए किए, लेकिन ये 5वां कलश यात्रा है जो हम लोग पूरे गांव मिल करके, समाज मिल करके, राष्ट्रीय जनता दल के लिए संकल्प लेकर के आए हैं कि इस बार किसी भी हर हालत में मोदी को हटाना है, कांग्रेस को जिताना है, यहाँ से 40 के 40 सीट लालू यादव के खाता में डालना। सही बात है जी, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग जो ये कलश यात्रा निकालने का मकसद है कि हम लोग यहाँ से देश से पूरे मोदी सरकार को भगाना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है और बिहार से 40 में 40 लोकसभा सीट इंडिया के खाता में देना है। हाँ हाँ जी हाँ। अच्छा, यही तो ऐसा क्या क्या कारण है कि आप मोदी जी से नाराज हैं? इसलिए कि उन्होंने बहुत महंगाई किया। अच्छा। और लोगों को झूठा वादा किया और झूठा बोल करके उस सरकार बनाया और कहा था कि भाई हम लोगों को रोजगार देंगे, इसमें फेलवर हो गए, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और ये 10 साल हो गया तो 20 करोड़ चाहिए रोजगार, लेकिन अभी तक वो 5 लाख तक भी रोजगार नहीं दिए हैं, इसमें असफल हुए हैं और पूरे देश को बेचने के काम कर रहे हैं। अच्छा, ये झूठा सरकार है और झूठा वादा करके देश को बेचने के चक्कर में है और बहुत सा जो है निजीकरण कर दिए हैं। हाँ। जैसे रेलवे है, बंदरगाह है, उसमें बहुत सारा संस्थान को शिक्षा है, उसको निजीकरण करने जा रहे हैं और इसके कारण होगा कि बेरोजगारी बढ़ेगा। अच्छा। इसे हम लोग को जो है रोजगार चाहिए, नौजवान जो पढ़े लिखे हैं। आप मोदी जी से नाराज हैं? बहुत नाराज हैं। ठीक है, उसके लाइक नहीं है। तो आप क्या भाई साहब नौजवान साथी से बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना हमको ये है कि बिहार में जी सरकार जो तेजस्वी भाई मेरे भाई हैं, हाँ, उनको लाना है जी। आज जो मोदी है महा से महा कमीना आदमी है। हाँ, हाँ। महा से महा। अच्छा। कमीना आदमी मोदी है जी। मोदी है कम 600 का गैस 1500 कर दिया। हाँ, 1500 कहाँ हो गया जी? बिल्कुल 1500 है, 1500 मैं ही उठाया हूँ गैस। हाँ, बिल्कुल 4500 के थी, 2000 के कनेक्शन 4500 में दे रहा है। हाँ, बिल्कुल मोदी अपना वोट बनाने के लिए 2 किलो राशन 5 किलो बढ़ा दिया। हाँ, कि हमारा वोट बने। ठीक है, और मोदी बहुत सा काम कर रहे हैं क्योंकि उनसे सत्ता से हटा दिया जाए और तेजस्वी के लिया जाए। कांग्रेस के वोट से पूरे बिहार में 40 के 40 सीट तेजस्वी यादव के खाते में, बैंक में, कोठी में दिया जाए। महिला है जो बहुत सारे महिला जो कलश यात्रा लेकर आए हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, आइए इधर आइए, जरा कुछ महिला यहाँ पे आए, बताइए माँ जी, ये पूजा करने का क्या मकसद है? तेजस्वी को जिताने के लिए। तेजस्वी यादव को जिताने के लिए आप कलश उठाए हैं? जी हाँ। देखिए, आज तक हम लोधीपुर से सैदाबाद पंचायत से 1 नंबर वार्ड से मैं बोल रही हूँ। हाँ। तेजस्वी लालू को जिताने के लिए। चले, तो ये सभी लोग अभी तक आप लोगों ने राजनेताओं के लिए कलश यात्रा ये सब उठाए हैं कि तेजस्वी यादव को जिताएंगे, अपना राय क्या है जरूर बताइएगा। यहाँ पे सभी नौजवान हैं, और डॉक्टरी का अच्छी भी नहीं है बिहार में, भी कॉलेज भीड़ में नहीं है, दूर पानी आने पड़ता है, यही फिर चलते हम तेजस्वी यादव जिताना चाहते हैं।
कि हम लोग सुरक्षित दे और आगे क्या। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई ऑफिस में काम करना चले ठीक है, अपना भी राय जरूर दीजिएगा। और ये कलश यात्रा तेजस्वी यादव के लिए है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।